इसमें एग्जाम्पल में ये गिवन है कि अगर आपके पास फिर से एक कंटेनर है, इस बार कंटेनर में एक डेंसिटी का लिक्विड नहीं है, जो अभी हमने टॉपिक किया था उसमें एक डेंसिटी का लिक्विड है, इस बार दो डेंसिटी का लिक्विड है, और हो सकता है आपको पेपर में तीन डेंसिटी भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, बड़ी बात नहीं है, आई नहीं है वैसे, दो ही देखी है मैंने आती है, तो दो का न्यूमेरिकल में डाला हुआ है, एक थोड़ा हैवी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 2d है और एक लाइट लिक्विड है जिसकी डेंसिटी d है, दोनों की हाइट क्या है, h बाई टू है, आपने एक होल कर दिया यहां पे, ये होल आपने कितनी हाइट पे किया ग्राउंड से, h हाइट पे किया और लिक्विड बाहर निकलता है, आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है। तो कोई स्टूडेंट कहता है कि सर एक काम कर देते हैं जी, शॉर्टकट लगाते हैं अंडर रूट ऑफ 2gh। मैंने कहा ठीक है, हाइट क्या लेंगे? वो कहता हाइट लेंगे यहां से यहां तक की लिक्विड की हाइट। गलत, क्योंकि उस रिजल्ट में जो हमने पहले किया था, बर्नौली थ्योरम जो हमने अप्लाई की थी एक्स और वाई पॉइंट पे, डेंसिटी लिक्विड की क्या रखी गई थी, सेम। इस बार डेंसिटी डिफरेंट है, जिससे कि प्रेशर डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा वो देखते हैं। तो इस जब डेंसिटीज दो दो होंगी लिक्विड की, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, फिर से बर्नौलीज ही लगानी है, बर्नौलीज ही लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर से एक पॉइंट लिक्विड के अंदर ले लो और एक बाहर ले लो और बर्नौलीज लगा दो। तो ए और बी पॉइंट पे बर्नौलीज लगा देते हैं, तो ए पॉइंट पे बर्नौलीज लगाई पी ए बाई रो जी एच वी ए स्क्वायर बाई टू और ऐसी बी पे लगा दी। हाइट का डिफरेंस यहां पर लेंगे नहीं, क्योंकि हाइट ए और बी की ग्राउंड से एग्जैक्टली सेम है, तो एच वाला पॉइंट तो कट गया। आप बस मुझे ये बताओ ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर होगा इतने लिक्विड का प्रेशर एच रो जी प्लस इतने लिक्विड का प्रेशर प्लस पी एटमोस्फेरिक। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ए पॉइंट का प्रेशर होगा, ये हाइट क्या कैलकुलेट करके बताएं, ये एच बाई टू है, ये स्मॉल एच है, तो ये हाइट क्या आएगी, एच बाई टू माइनस स्मॉल एच। तो प्रेशर क्या होगा, एच बाई टू माइनस स्मॉल एच इंटू डेंसिटी क्या है, 2d इंटू जी। क्या स्टेप क्लियर है? एच रो जी में हमने क्या लिया, ये हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी 2d इंटू जी, कोई डाउट इसमें? प्लस ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, कैपिटल एच बाई टू, तो ये हाइट है कैपिटल एच बाई टू, डेंसिटी क्या है, डी इंटू जी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एच रो जी मैंने एक और लगा दिया, अपर लिक्विड का एक, लोअर लिक्विड का एक, अपर लिक्विड का प्लस पी एटमोस्फेरिक। तो यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो ए पॉइंट का प्रेशर लिखना आ गया। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा, तो इतने लिक्विड का प्रेशर एच रो जी प्लस इतने लिक्विड का प्रेशर एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक। तो यहां से पी ए का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्लस एच बाई टू डी जी ऊपर के लिक्विड का प्रेशर प्लस नीचे के लिक्विड का प्रेशर जो भी कैलकुलेट किया, पूरे का पूरा प्रेशर पी ए की जगह पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं डेंसिटी क्या पुट करूं, यहां पर तो लिक्विड की दो दो डेंसिटीज हैं डी एंड टू डी, तो क्या पुट करूं, 2d, 2d क्यों? कौन सा लिक्विड का पार्टिकल बाहर निकल रहा है जिसके ऊपर बर्नौलीज लग रही है, 2d। अब d की तो बारी नहीं आई, d तो ऊपर चल रहा है, उधर प्रेशर लगा रहा है, पर लिक्विड का पार्टिकल जो बाहर निकल रहा है वो कौन सा है, लोअर डेंसिटी वाला, यानी कि 2d। तो पूरी इक्वेशन किसके ऊपर लगेगी, 2d। तो इसलिए डेंसिटी की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, 2d। तो gh gh तो कट गया, अंदर के पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, 0, इसको तो छोड़ देते हैं। बाहर प्रेशर क्या हो जाता है, निकलते ही पी एटमोस्फेयर, बाहर आ गया पार्टिकल पानी से, और डेंसिटी 2d, और एफ्लक्स हमने निकालनी है वी एफ्लक्स, वैल्यूज पुट कर ली। क्या ये वैल्यूज क्लियर है जो पुट की मैंने? इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, 2d को इससे डिवाइड किया, 2d को इससे डिवाइड किया, 2d को इससे डिवाइड किया, और ये टर्म आ गई। अब एक काम करते हैं, ये वाली टर्म पूरी की पूरी इस टर्म से क्या हो गई, कैंसल, ये टर्म और ये टर्म में डी से डी क्या हो गया, कैंसल। ये टर्म को ओपन कर लें, 2dg इससे मल्टीप्लाई करें, 2dg इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 2d 2d, तो आपके पास क्या आ गया, डी से डी कैंसल, डी से डी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2d से 2d कैंसल। तो सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके आपके पास ये टर्म आ गई, और यहां से 4 से 2 भी कैंसिल हो गया, अंडर रूट लिया तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गया। अब एक स्टूडेंट बोला कि कैलकुलेशन ये याद करना है, कुछ ना याद करना, मुझे क्या पता तुम्हें क्या डेंसिटी देगा, कल को वो 3d और डी दे दे तो 4d और डी दे दे तो आप इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। सिंगल डेंसिटी का फॉर्मूला याद करेंगे अंडर रूट ऑफ 2gh, दो डेंसिटीज ऑफ लिक्विड में कोई शॉर्टकट नहीं है फ्लक्स का, ये कैलकुलेशन याद करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पहला स्टेप देखने का फायदा है कि बर्नौलीज लगती कैसे है।
बस वैल्यूज पुट करके जो आएगा आंसर उसी टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, स्कूल में तो नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गया, जो भी आया। अब मुझे कैलकुलेट करनी है रेंज। अब रेंज के लिए मैंने जो फॉर्मूला करवाया था वो ये था, 2 × अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट इंटू होल के ऊपर की हाइट। अब होल के नीचे की हाइट हमारे पास है, होल के ऊपर की हाइट हम निकाल लेंगे, पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये फॉर्मूले की डेरिवेशन में ये अजम्पशन थी कि डेंसिटी लिक्विड की सेम है, पर यहां पर तो दो दो डेंसिटीज हैं, तो आपको फिर से प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट लगाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट में वाई एक्सिस में हाइट क्या कवर करेगा लिक्विड एच, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम आ गया। एक्स एक्सिस के अंदर इक्वेशन क्या लगेगी, एस इज वी टी, तो एक्स एक्सिस में रेंज क्या है आर, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इंटू टी। एफ्लक्स हमने ये बहुत बड़ा सा रिजल्ट एफ्लक्स का निकाल लिया, पुट कर दिया, टाइम हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, रेंज आ गया। कोई कहता है याद करना है, मेरे को तो याद नहीं है ना, मैं कभी देखूं इसे। तो रेंज अगर कैलकुलेट करने को आ जाए किसी ऑब्जेक्टिव में, कोई ऑप्शन नहीं, कोई याद नहीं करना, वहीं प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम सॉल्व ही करनी पड़ेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, किसी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, तो टेक्निक मैंने बता दी। क्लियर है? तो अब कल को हो सकता है वो तीन डेंसिटीज भी दे दे, वैसे मैंने देखा नहीं है, पर देने को दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, यहां तक तो क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? इसी क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो ये भी पूछ सकता है इस प्रॉब्लम में एच बताएं। अब एच का मतलब क्या है इस प्रॉब्लम में? एच का मतलब है कि होल कितनी हाइट पे है उसको एच बोलते हैं, होल कितनी हाइट पे है वो एच है। तो होल कितनी हाइट पे करें ताकि पानी दूर से दूर जाके गिरे, तो यानी कि रेंज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम करनी है मुझे। तो अगेन मैथ्स का क्वेश्चन बन गया मैक्सिमम मिनिमा का, आपको एच बताना है ताकि रेंज ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक में ये बताया जाता है कि रेंज को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू क्या करना है, जीरो। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, जो निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है। तो dr by dh की जगह क्या करेंगे, जीरो। तो dr by dh की वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो ऑटोमेटिकली h की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेडिकल में ही आने का चांस कम है, वैसे बता देता हूं नहीं आएगा, नॉन मेडिकल के अंदर आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस टू में मैक्सिमम मिनिमम वैसे भी कर ही लेंगे। तो आपको यह समझाने की मेरे को प्लस टू में जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कॉम्पिटिशन से पहले आपको आता होगा, तो आप बस ये फिजिक्स समझें। तो रेंज मैक्सिमम करनी है, तो रेंज को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच इक्वल टू जीरो करना है। पर क्योंकि रेंज का ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ये सिंप्लीफाई करके आया हुआ है, इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट के अंदर डिफ्रेंशिएशन थोड़ा स्टेप टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। हम क्या करते हैं, रेंज का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अगर रेंज मैक्स है तो रेंज का स्क्वायर भी मैक्स है। भाई तुम्हारे मैथ के नंबर या फिजिक्स के नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और मान लो ये, मान लो इसके सबसे ज्यादा नंबर है, भाई इसके नंबरों का स्क्वायर भी तो तुमसे ज्यादा ही तो होगा, नंबर ज्यादा है तो स्क्वायर भी तो ज्यादा ही होगा, हर कोई स्क्वायर करेगा तो बड़े टॉपर का स्क्वायर ज्यादा ही आएगा। बिल्कुल वैसी रेंज मैक्स करनी है, रेंज का स्क्वायर मैक्स करने की बात तो एक ही है, तो रेंज मैक्स करने की बजाय रेंज स्क्वायर ले लो, स्क्वायर से ये फायदा होगा अंडर रूट हट गया। अब रेंज स्क्वायर को मैक्स करने के लिए dh मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किया, dh by dh 1 है, ये 2h है, सॉल्व करके हाइट आ गई। इतनी हाइट पर अगर होल को रखेंगे तो रेंज या रेंज स्क्वायर मैक्स आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहता है मैं याद कर लेता हूं, जी कर लो याद, कल को डेंसिटी d और 3d कर दियो, फिर क्या करोगे मुझसे मत पूछना। तो ये टेक्निक ही है, ये टेक्निक ही सीखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी स्कूल में ये नहीं आएगा, और मैक्सिमम इन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक?